जी अली साहब, हेलो। जी अली साहब, इस्तकबाल अस्सलाम आपका। वालेकुम भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे काफी टाइम से बात करना चाह रहा था। अभी रिसेंटली बीच में एक बार आया था, तब माइक और कैमरे का इशू था तो मैं चला गया था किससे दो बात दिन पहले। करना है? मुझे शायद आपसे ही बात करनी है भाई। भाई अच्छा, सब मोमिन हैं अभी तक? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो पक्के हैं। वाले? अगर आपकी स्पीच सुनते रहे तो कब तक रहेंगे ये नहीं पता भाई। अच्छा, तो अली भाई थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करना, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। थोड़ा धारदार हाँ दांत वाले हाँ भाई लोग से बात कर लेते हैं अभी, ओके ठीक ठीक है? हाँ, थोड़ी देर के है बाद ठीक। आप जुड़ना। ओके। सैयद यजीद साहिल भाई कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाउ कैन यजीद बी अ बिल्कुल मुस्लिम? हाउ कैन यजीद बी अ मुस्लिम? ठीक। मैंने आपको ईमेल किया, दो दफा आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। अच्छा, वो आप वही है क्या हाँ जो ये एडम की स्ट्रीम में आए थे? अच्छा जी, बिल्कुल वही हूँ मैं। इसीलिए आपका ज्यादा टाइम अच्छा नहीं लूंगा, मेरी ईमेल चेक करके रिप्लाई कर दें, मैं आपका टाइम वेस्ट ओके, ठीक है भाई। नहीं करूंगा। प्यारे भाई, ठीक मैं है आपके साथ एक पूरी पूरी एक स्ट्रीम करूंगा मैं, ठीक है? जी, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपकी मेल का। थैंक यू। ओके, थैंक यू ओके, बाय थैंक यू बाय थैंक यू। बाय बाय। सैयद साहब, हाय साहिल भाई। भाई के भी अंदाज से बड़े खुशगवार माहौल में ऐसे आए। मैं अपने इंडिया से बात कर रहा था। हाँ हाँ भाई, भाई, इसकी आप भी एक्स हो गए क्या? हाँ एक्स हो गया था, थोड़ा थोड़े डाउट से थे एक्स होने के लिए, रहने के लिए उधर इधर, क्योंकि मेरा हो जो गया फैमिली था आएगा मतलब ना क्या है? पूरा अभी इस्लाम। फिर से मोमिन? नहीं, मोमिन तो नहीं बनूंगा। अच्छा, अली भाई और सैयद भाई, आप लोगों को मैं थोड़े देर में दोनों को लूंगा। आप लोग अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए, थोड़ा हम लोग ओके। धारदार दांत वाले मोमिन लोग को देख रहे हैं यार। मेरे को जस्ट एक्स दो एक्स क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन को आंसर कर दो प्लीज। अच्छा एक चलो, क्वेश्चन फटाफट था रखो कि क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन, फटाफट आंसर। एक क्वेश्चन था कि मैं बोल रहा था कि जो मोहम्मद जो कुरान लिखा था उसमें सही लिखा था, मोहम्मद जो लिखा मोहम्मद था सही कुरान लिखा ही लिखा नहीं था। था। नहीं, मैं बोल रहा जो मोहम्मद कुरान लिखा था अभी मोहम्मद कुरान उसमें लिखा ये ही नहीं था। पूरी नहीं लिखा था ना वो। आप ही हैं बोल रहे, पूरे लोग बोल रहे यार, थे मोहम्मद कुरान मोहम्मद। लिखा ही नहीं था। हाँ मैं बोल रहा, मैं मेरा क्वेश्चन जो है कि मोहम्मद कुरान लिखा था 1400 years बैक, मैं जो यार भाई 1400 years क्या करे जा ऐसा रहा है सर बोलो। इसको? सैयद, मैं थोड़ा फ्रेम कर देता हूँ। सैयद, ऐसा बोलो कि जो कुरान लिखा गया है उसमें फिर आपका क्या सवाल है वो बोलो। हाँ, कुरान लिखा गया है वो मोहम्मद ने 1400 years बैक, बट ये फोर्टीन हंड्रेड मोहम्मद ईयर्स में मोहम्मद अभी। साहब का नाम मत लो, सिर्फ इतना बोलो कि कुरान जो लिखा गया है उसके बाद हाँ आपका सवाल क्या है वो बोलो। हाँ कुरान लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर ये में लिखा गया था, बट ये 1400 years में एक जो भी बंदे रहे थे वो लोग चेंजेस करे थे। जो कुरान असली में लिखा गया है वो टाइम पे, वो कुरान अभी नहीं है बोल के मेरा डाउट है। उसमें क्या यार है भाई, अभी? नहीं है ना, अरे इस पे तो भाई हमने स्ट्रीम की है सैयद साहब। यही मैंने बार बार आपको बोला है, मोहम्मद कुरान लिखा ही नहीं था। अज्यूम करें कि मोहम्मद एक बंदा था, उस 1400 साल पहले वहां मौजूद था, उसने कुरान अपने जमाने में लिखा ही नहीं था। सही बुखारी की हदीस आती है कि जब फर्स्ट टाइम अबू बकर को कहा गया कि यार ये कुरान को कलेक्ट कर लो और इसको लिखो, तो उसने कहा था अगर तुम मुझे कौन है, ये माउंटेन, ये पहाड़, यहाँ से उठा के यहाँ कर दो तो ये ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं कुरान लिखूं। और वो कुरान जो मोहम्मद ने खुद अपने जमाने में नहीं लिखा, वो मैं किस तरह लिखा लिख लूं? तो भाई मोहम्मद तो कोई कुरान लिखा ही नहीं था, तो ओके डन। आप उस किसके साथ कंपेयर करोगे? किसके साथ कंपेयर करोगे? किस कुरान के साथ ओके कंपेयर करोगे जिसके दिस उसने लिखा ही नहीं? आंसर। साहिल भाई आपको एक लिए क्वेश्चन है कि लाइक आप रिसेंट आपका एक इंटरव्यू देखा था मैं, उसमें आप स्पीच बोलते रहे कि सनातन धर्म में आप हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू बोल के आपका टैग आया था वहाँ पे, आप सनातन धर्म लिए बोल के, उसमें कैसा आप है? मेरे को भी लियो बोलते ना नहीं तो गया भाई वो। अरे तो भाई अंदर वीडियो भी देख लेते, उसी नहीं, वजह से आप तो वो बोलते लगाया सनातन धर्म वहां लगाया चला गया था कि मेरे को तुम बोल के। सैयद साहब, उसी वजह से तो लगाया गया था कि आप क्यूरियोसिटी में जाके चेक करें कि वाकई में साहिल जो है गया है क्या नहीं गया, देख लेते तो आपको जवाब मिल जाता। नहीं, आप रिसेंटली एक कैलाश की टेम्पल भी कुछ व्लॉग करे थे, उसका ये क्या है? मेरा हमारे जो भी मेरा ग्रुप है थोड़े फ्रेंड्स लोग ये बोल रहे, साहिल भी एक हिंदू है उसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदू में सनातन धर्म लिया था, अभी वहां पे अच्छा व्लॉग मुझे एक व्लॉग कर बात रहे। बताओ,
मुझे एक बात बताओ, जो एलोरा में मैं गया था, तो एलोरा जो है वो आप गए कभी? नहीं 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 गया था मैं कभी। लेकिन जो वीडियो में बताया मैं वो देखे, हाँ देखा था। क्या क्या लगा आपको देख के? नहीं व्लॉग करने गए बोल के मेरा तो मैं समझ रहा, मेरे दोस्त लोग भी है, हमारे 3-4 मेंबर्स टीम हाँ, है तो जो दोस्त हम लोग को समझाओ, इसके बारे में। उसको बोलो कि भाई ये हमारी देश की संस्कृति है, और जो आप सोचो कि 1700 साल पहले जो हमारे देश के लोग थे वो कितने एडवांस थे। बताने का मकसद ये है कि कितने एडवांस थे 1700 साल पहले, एक पहाड़ में से, सिंगल पहाड़ में से पूरा क्रेविंग करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा केव उन्होंने बनाया। तो क्या हमारे लिए ये प्राउड फीलिंग नहीं रहना चाहिए सैयद साहब? नहीं रहेगा, डेफिनेटली प्राउड फीलिंग रहेगा। मैं ये बात पूछ रहा था कि आप फ्यूचर में कुछ हिंदुइज्म से लेंगे क्या? साहिल साहिल, वो जो है ना आगरा का ताजमहल, वहां ना जाना, लोग तुझे मुसलमान बना देंगे। नहीं नहीं मैं इतना पूछ रहा कि मेरे को डाउट आ रहा है क्रेविंग कई कह रहा बार हूँ, सॉरी, आई एम मैंने रियली देखा सॉरी, कार्विंग को है। क्रेविंग बोले। आई एम रियली सॉरी गाइस, कार्विंग, 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 हाँ लेकिन सॉरी, बहरहाल ताजमहल ना जाना साहिल, लोग हाँ तुझे नहीं तो मुसलमान मोमिन कर हो देंगे, जाऊंगा। तो मोमिन हो जाएंगे। नहीं साहिल भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आप बहुत ये कर रहा हूँ आपको अरे लाइक। तुमसे ज्यादा सैयद साहब एक बात बोलता हूं मैं, आप एक्स हाँ मुस्लिम है ना, आप नहीं चाहते कि मैं कोई मजहब अपनाऊं, तुमसे ज्यादा अभी जो 7000 लोग जो हमको देख रहे हैं ना, इसमें से 95% लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई मजहब को नहीं अपनाऊं। अभी देखो भाई लोग, आप लोग क्या नहीं चाहते हैं, क्या मैं हिंदुइज्म कबूल करूं, क्या मैं क्रिश्चियनिटी कबूल करूं, चाहे मैं क्या मैं बुद्धिज्म चाह कबूल करूं, या मैं ऐसे ही रहूं जैसे मैं हूं। अब देखो कितने सारे कमेंट आएंगे। रहा नहीं, तू तू लोगों के कहने के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी सेट रखेगा? कम ऑन नहीं मैन, सीरियसली। मैं सेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनका ख्याल झूठा है। ये देखो, लोग चाहते हैं कि मैं जैसे रहूं, तुमसे ज्यादा लोग चाहते हैं बाकी लोग कि जैसे हूं वैसे ही रहूं। ये देखो अक्सर लोग, कुछ कुछ थोड़े बहुत रहेंगे जिनका एक रहता है सपना कि भाई हमारे तरफ आ जाए, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो कोई जरूरत नहीं है, देख लो। अरे भाई कट्टर कट्टर हिंदू लोग, सनातनी लोग, जिनसे मेरी बात होती है, पर्सनल लेवल पे भी बात होती है, मेरे को गुस्सा की उन लोग ने, बोले ये तूने क्यों अलाउ किया इनको इस तरीके से वो थंबनेल लगाने का, नेवर डू दैट। वो बोलते नहीं, तो किधर जाने की जरूरत नहीं है भाई, तू जैसा है वैसे ही रह। तो बिल्कुल फिक्र ना करे सैयद साहब, ठीक है मेरे हाँ प्यारे भाई, ओके भाई शुक्रिया। और एक ये चलो बात है थैंक कि यू। मेरा एक और फाइनल एक डाउट है कि अभी मैं समझ रहा कि मेरा थिंकिंग लेवल अच्छा पे देश आदिवासी बन जाऊं को, क्या? सॉरी आदिवासी बन जाऊं? ये अब्दुल्ला मेरानी साहब जो है वो एक हाँ सजेशन दिए कि वो आदिवासी देखना चाहते हैं, मुझे आदिवासी बन जाऊं, नहीं जंगल नहीं विंगल में नहीं जाके, मस्त रहेगा उसमें तो ये। प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? हाँ वो सब तो प्रॉब्लम नहीं मेरे को भी, बट आप जैसे लोग चाहिए बहुत सिटी को चेंज करने के लिए एक्स कल से मुस्लिम पत्ते का। पहन के घूमता मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है कि अभी मैं समझ रहा कि देर इज ए वन गॉड, वो एक गॉड है, ये यूनिवर्स को पूरा क्रिएट करा था, बट वो अल्लाह नहीं है, वो जीसस नहीं है, वो कोई भी राम नहीं है। मैं ये समझ रहा, ये गुड थिंकिंग है जी, ना, तो ये करेक्ट है ना? यू आर फ्री टू हैव दिस बिलीफ एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? थैंक यू सो ठीक वेरी है भाई, मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कितनी फिक्र रहती है यार हमारे भाई लोग को। एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पीस भाई। जी पीस साहब, अरे हमारे सलाम वालेकुम आदिवासी भाई भी है इधर, गौरव भाई। हाँ भाई, हेलो, भाई, जी भाई मैं ठीक हूँ, आप क्या हाल कैसे है हैं? भाई? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मोमिन है? यस सर। पक्के वाले? पक्के वाले
हदीसों को नहीं मानते? हदीसे तो हमारी गाइडेंस है भाई कुरान के बाद। अच्छा मानते हैं, शुक्र है भाई, मेरे को लगा नहीं मानते होंगे। ओके ठीक है, कुरान को डायरेक्ट मानिए तो फिर क्या करेंगे। ओके कोई सूरह एरा सुना दीजिए सर। सूरह सजेस्ट कीजिए कोई सूरह। सूरे मकड़ी सुनाइए, सूरह सजेस्ट के लिए बोल के भाई गायब हो गए, इनका इंटरनेट ही गायब हो गया। कौन सा सूरह? अच्छा है, मेरे को क्यों नहीं नजर आ रहा यार, सूरे मकड़ी भाई। सीधे सीधे बता कौन सा नाम। अरे सूरे मकड़ी सीधे सीधे ही बता रहा हूँ। सूरे मकड़ी मुझे सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं क्या नहीं, सुना नहीं, सुने, सूरे मकड़ी। लगा लगा। सूरे मकड़ी कौन सी है? सूरे मारकाट भी एक है, और साजिद भाई ने आविष्कार किए थे सूरे मारकाट, वो पूछ रहे थे मोमिन से, इनसे भी पूछ। अच्छा, अगर आता ये बोला तो नहीं जाने दो, वो मकड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। सूरे हाथी सुना दो पीस साहब। सूरे हाथी सुना दो। तबत यदा अबी लहब व तब मा अगना अमवालुह व मा। ये हाथी है सूरे हाथी। अरे भाई सुन तो ले, सूरा तो है अरबिक तो है, इसमें भी कोई सा भी सुन ले। अच्छा सूरा हाथी है क्या? नहीं है सूरा हाथी, नहीं है यार, नहीं है। तो देखो है। जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं स्ट्रीम को, ये मुसलमानों की तो हकीकत है यार। एक मिनट पीस भाई, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। ये मुसलमानों की हकीकत है कि इनको, ये जितने इस्लाम फॉलो करते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है कुरान में कौन सी सूरे हैं, क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, वो भी नहीं पता होता इनको। ठीक है भाई, वो सूरह लहब सुना दीजिए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग्ना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व अम्रतुहु हम्मालतल हतब फी जीबिहा हब्लुम मिन मसद। जी दरूद पाक सुना दीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा पीस साहब, कुरान को क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं? पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है एक कॉन्स्टिट्यूशन जिंदगी की को गुजारने के ना? जी मुझे एक बात बताओ पीस साहब, एक किताब जो सारे लोगों के लिए हिदायत की किताब है और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं, तो क्या उसके चैप्टर्स के नाम गाय, हाथी, मकड़ी और लूट का माल और तुम्हारा और क्या क्या है यार, ये इस तरीके से नाम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के होते हैं क्या? तो मतलब ये डिसाइड मैं करूं, आप करें या कोई इंसान करे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे हिसाब से वो दुनिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के चैप्टर सुनो ना भाई। वो तो हो सकता है, तेरा अजम्पशन मेरा अजम्पशन तो वो किसी काम का नहीं है। अब जब नहीं, आपको क्या लगता है? Assumption मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा assumption है? कुछ भी हो सकता है। क्या समझते हैं आप? क्यों करूं मैं assume? मैं compare नहीं कर सका इसको। अरे भाई लोग जवाब देने से इतना कतराते क्यों है भाई? कतराएंगे क्यों? जब अल्लाह ने ये किताब भेजी है, हम उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते जिसने इस दुनिया को, इस सब को बनाया। मैं चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ
कि मतलब मैं कोई ये कह रहा कौन हूं कि मेरा एजम्पशन किसी काम का के नहीं है। नाम बकरा और गाय और ये मकड़ी और उसके बाद चींटी हाथी लूटमार का माल, ऐसा ऐसा हो सकता है कि मगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के बाद? ना होना क्या चाहिए हमें इस बात की कोई मतलब इसको लेकिन इम्पोर्टेंस लॉजिकल क्यों या दें हम सेंस इसको सेंस डिस्कस? बनाता है कि हो कुछ इलॉजिकल ना हो। कहाँ से है भाई, इसको इलॉजिकल कैसे कह सकते हैं हम? इलॉजिकल इसी वजह से कह रहा हूं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसमें कवानीन लिखे हुए हैं, तो उसमें जानवरों के नाम के चैप्टर कैसे हो सकते हैं? ये तो इलॉजिकल यार है, देख ये नॉनसेंसिकल है। देखिए, जो ये जो चैप्टर सबसे पहला सूरह फातिहा है, उसके नाम के साथ ही दो पहली जो चार वर्सेस है ना उसमें, हाँ, वो अल्लाह की तारीफ है, मतलब कौन कर प्रेज। रहा है ये तारीफ? ये मतलब अल्लाह अपनी तारीफ करवा रहा है बंदे से कि अच्छा, सब करवा तारीफ रहा अल्लाह के है? लिए है जिसने मतलब जिसने इस दुनिया को बनाया। नहीं, करवा रहा है कैसे? तो करवा रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है या करवा रहा है? बंदे से तारीफ करवा रहा है कि वो अल्लाह है कौन, ये कौन कौन से अल्लाह की बात हो रही है? वो मतलब अल्लाह जो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया भाई? इनकी आवाज कट रही है शायद। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए, वो आवाज आ रही थी, डिस्कनेक्ट हो गए भाई। ये हाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का, दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, उसमें। अच्छा, एक मोमिन बहुत तड़प रहा है इधर, ईयू करके क्या बोल रहा है? एक मिनट रुको, कहाँ है रे भाई साहिल? तू एक बेगैरत की नस्ल है, तेरा बाप कौन है तू जानता है? अरे ये ऊपर आ जा भाई, अपने मजहब को एक अच्छा मजहब साबित कर दे, बाकी की बात बाद में। अच्छा, अरे साजिद साहब भी मौजूद है। साजिद साहब, क्या हाल चाल? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या मेरी आवाज जा रही है साहिल भाई? बिल्कुल, आपके वहां से जा रही है और हमारे तक आ रही है। अच्छा, अरे नहीं यार, मैंने एक हेडफोन लिया और मैं देखा कि ट्राई करता हूँ आपके अच्छा, स्ट्रीम में घुस करके, तो ठीक ठाक ठीक ठाक चलें। ठीक बिल्कुल बिल्कुल मस्त है। है, कोई धारदार मोमिन को लाए फिर मजा है। अरे मैं जब से वही देख रहा हूं कि कोई दारदार मोमिन आए, हाजी असलम साहब से देख दे, धारदार दांत वाले क्या? इतने आ रहे सब हजरत, हम सौदा की तरह कमजोर आ रहे हैं। हाजी असलम साहब, क्या है यार, मैं जिसको ले रहा हूं उसका नेट ही खत्म हो जा रहा। पहला सवाल आप लेते ही क्यों हैं? अच्छा, मोमिन को लेते हैं या मोमिन की लेते हैं, इसीलिए वो धारदार नहीं बन रहे। आबिद खान साहब, अच्छा हेलो यार, मेंबरशिप जो गिफ्ट हेलो, कर रहा है, तो हमारे जो मॉडरेटर साहब है, जरा वो हाईलाइट कर देना भाई लोग, क्योंकि मुझे इधर स्ट्रीम यार्ड पे दिखता नहीं हेलो है। साहिल, हाँ भाई आबिद हेलो साहब। हेलो। हाँ आबिद बोलो। साहिल, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि तुमने जो एक्सप्लेन किया था सेलेब्रिटी के अलावा, तो तुमको गलत कहाँ से वो लगता है? क्या क्या? तुमने सबसे पहला टॉपिक तुमने आज डिस्कस करा था, तुमने तो स्लैब के बारे में तुम डिस्कस कर, तुमको गलत वहां कहां से लगता है, वो गलत कैसे है? आप मोमिन है सर, आबिद साहब? तुमने सेलेब्रिटी के ऊपर तुमने डिस्कस किया था ना कि वो स्लैब किसी को मतलब अरे उन्हें गुलाम बना। सलेवरी पे बात कर लेंगे, पहले ये तो बोलो मुस्लिम है? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कितने कितने वाले पक्के मुस्लिम है? हाँ, वो गलत कहाँ पे से तुम बता सकते हो? अरे भाई तुम कितने मुस्लिम हो पहले ये तो बताओ। अरे मैं मुस्लिम हूँ यार। अच्छा, कोई सूरा सुना दो। तुमको क्या सुना दो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला अली मोहम्मदी कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, सुना दिया तुम्हें? ये सूरा है?
ये कुरान की कौन सी अलम शरीफ है भाई? ये भाई अलम शरीफ है, कुल औसब रब्बिन नास मलाइकिन नास लाइन नास मिन सर कुल औसब रब्बिन नास मलाइकिन नास लाइन नास मिन सर बस बस नास लजी बस बस फिर सब मिन जिन्नत वन नास। ये बोल रहा है आलम शरीफ सुनाता हूँ, सुना कुछ और रहा है। इसके पहले बोले कि सूरह सुना रहा हूँ कि दुरूद सुना दिया। पहले मैंने आलम ये बोल दो, पहले आलम शरीफ सुनाया था मैंने, फिर बात आलम शरीफ था। पटा 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 बीच में मत करा करो बच्चों, वो आलम शरीफ नहीं था, वो दुरूद था। ये अपने ऊपर दम कर रहा है कुल पढ़कर। तुम्हें पता भी है ना क्या पढ़ लो क्या नहीं पढ़ लो? जो पढ़ लो उसका नाम बोलो। आलम शरीफ तो तुमने पढ़ा ही नहीं अभी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जो तुमने बोला था ना स्लैब के ऊपर, वो गलत कहां पर से तुम एक्सप्लेन करो। स्लैब के ऊपर बात हो जाए भाई, पहले अलम का सूरह कंप्लीट कर ले, पहले स्लैब पे आओ फिर बात करते हैं आगे बेचारा। अरे तुमने स्लैबरी के ऊपर डिस्कस किया था, स्लैबरी का मतलब समझते हो तुम लोग ना? कुरान को सिर्फ पढ़ के बाद तुम्हें लॉजिक नहीं लगाते हो, उसको समझने की कैपेसिटी नहीं है। खाली जो लिखा हुआ उसको खाली डिस्कस करके निकल जाते हो। अच्छा स्लैब के ऊपर अपन बात करेंगे आबिद। हाँ पहले सूरह फातिहा पूरा सुनाओ। अल्लाह ताला ने जब ब्रेन दिया ना तो उसको यूज भी करा करो ना, कि वो चीज समझने की कैपेसिटी बनाओ। खाली रीडिंग करके भाई हमारे पास तो ब्रेन है ही नहीं है। ब्रेन है ना भाई आपके पास? आपके पास ब्रेन अगर है तो सुना दीजिए सूरह फातिहा। हेलो। हाँ हेलो जी, आवाज आ रही है। भाई साजिद इमाम आप साइलेंट हो भाई, बचे बचे जी भाई। सूरह फातिहा आबिद 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 टाइम पास बहुत हो गया, आबिद सूरह फातिहा सुनाओ। अरे यार हमको जितना सूरह हमको सब आता है, अलम शरीफ भी आता है। हां तो अलम शरीफ सुनाओ। भी सब कुछ आता है, तो सब रब्बिन नास भी आता है, सूरह भी आता है, सब आता है। तुम आगे बात करो। अलम शरीफ सुनाओ। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بولو یہ مومن ہے یہ یہاں تو ہمارے نان مومن بھائی لوگ سورہ فاتحہ سیکھ گئے بھائی ہاں اس بندے کو سورہ فاتحہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سی لگتا ہے حافظ جی نے اپنے گود میں بیٹھ کر سکھایا ہے صحیح سیکھ نہیں پائے بھائی ہاں ہلاو ہلاو بھائی ہلاو آ رہی آپ کی آواز ارے میں بول رہا ہوں نا تم سلیب کے اوپر ڈسکس کر رہے تو تم کو آج سے نہیں تم کو 500 ویڈیو دیکھا ہے وہ غلط کہاں سے بتاؤ نا سنا دو بھائی پھر ہلاو بول کے آگے چلتے ہیں نا ہلاو ہاں ہلاو ہلاو آ رہی آواز آپ کی ہلاو ساجد امام تم سائلنٹ ہو نا ہم ساحل سے بات کر رہے ہیں चले ठीक है साइलेंट हो जाते हैं सिर्फ सिर्फ फातिहा सुना दो हम साइलेंट हो जाते हैं ठीक है। अरे उससे अच्छा, साहिल से बात करें अभी चुप रहना काले बकसूदी पहले बीच में बोले चुप रहना पड़ गया अभी 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 अब नमाज पढ़ते हो अभी? अरे भाई तुम स्लैब के ऊपर जो डिस्कस करते हो ना उस स्लैब का मतलब हां हां मैं करूंगा आपके साथ, मेरा वादा है आपके साथ मैं करूंगा। पहले बताओ नमाज करो ना, हिम्मत तक करके दिखा दो मेरे से डिस्कस। नमाज पढ़ते हो? पहले करो तो डिस्कस करो। नमाज पढ़ते हो आबिद? नमाज पढ़ते हो? बकचोदी क्यों हाँक रहे हो? स्लैब को डिस्कस करना है करो, नहीं करना था बोलो। ब्लॉक कर दो आप समझ से डिस्कस करने का। ब्लॉक कर दो, हम प्रूफ कर देंगे, प्रूफ कर देंगे कि वो स्लैब। ब्लॉक कर दो। अरे तुम्हें में टैलेंट नहीं मुझसे बात करने का, लॉलीपॉप लेके सो जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। या अगर लॉलीपॉप नहीं है तो पिछवाड़े में उंगली डाल के सोऊंगा, सही हो जाओगे।